दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटियों से एक ऐसा बेहतरीन सा नाश्ता जो बच्चों से लेकर बड़े तक पसंद करेंगे और रोटियाँ भी बर्बाद नहीं होंगी बहुत अच्छी रेसिपी बनने जा रही है दोस्तों तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं रेसिपी बनाना तो मैंने यहाँ पे दो लेफ़्ट ओवर रोटीज़ लिए हैं रोटियाँ ली हैं सॉरी तो इन्हें हमें क्या करना है राउंड राउंड रोल करना है इस तरह से ये थोड़ी रोटी एक दिन पुरानी है इसलिए मुलायम नहीं है थोड़ी सी लेकिन चल जाएगा काम अब सीज़र की मदद से आपको इन्हें कट करना है जिस तरह मैं काट के दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से कट करना है ये देखिए इस तरह से आप दोनों रोटियों को या जितने भी आप लेना चाहते हैं दो तीन या जितने भी आप इस तरह से उनको कट कर लीजिए इनसे क्या होगा कि लंबे शेप में कटेंगे जिस तरह से नूडल्स होते हैं उसी तरह से इनकी शेप बन जाएगी तो इस तरह से सभी रोटियाँ आप तैयार कर लेंगे और इसी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं आप अपनी मनपसंद की जितने भी वेजिटेबल्स हैं हम डाल सकते हैं मैं यहाँ पे कैप्सिकम ले रही हूँ और अनियन ले रही हूँ मैं यहाँ पे एक कैप्सिकम लिया है और एक अनियन लिया है और थोड़ा सा वन फोर्थ मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है यानी बंद गोभी इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया इस तरह से जैसे नूडल में हम डालते हैं सामान उसी तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया अब एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ रिफ़ाइंड तेल और ये जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है फ्रेंड्स एक बात का ख्याल रखिए कि जितनी भी चाइनीज़ वेजिट रेसिपीज़ होती हैं उन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई किया जाता है तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखें और तीन से चार मिनट में आपकी ये जो सब्जियां हैं उनमें स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा और एक तरह से ये पक जाएंगी इस तरह से आप इन्हें सोटे कीजिए और थोड़ी देर बाद में मैं अब उसमें कैबेज भी ऐड कर रही हूँ तो कैबेज को भी आपको लंबा लंबा काटना है जिस तरह से कैप्सिकम्स हैं और कैबेज बहुत ज़्यादा ना ऐड करें यानी कि अगर आपने दो रोटियां ली हैं तो आपको एक कैप्सिकम और एक एक अनियन काफ़ी होगा और थोड़ी सी कैबेज आपको काफ़ी होगी और तीन से चार मिनट हमने इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है इस तरह से देखिए ब्राउन हो चुके हैं वेजिटेबल्स अब नमक ऐड कर दीजिए आपको नमक अपनी आवश्यकता अनुसार मैं यहाँ पर डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ और अब ये जो रोटियां हैं वो हम इस तरह से, से डाल देंगे अभी इन्हें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है तो कुछ और चीज़ें हम ऐड कर देते हैं मिक्स करने से पहले थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोया सॉस एक बड़ा चम्मच एक चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली सॉस और एक चम्मच यहाँ पर टोमेटो कैचअप एक से डेढ़ चम्मच आप डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा मीठापन पसंद है और हल्का सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ विनेगर यानी कि वन फोर्थ टी यानी विनेगर डाल रही हूँ बहुत ज़्यादा विनेगर बिल्कुल ऐड ना करें नहीं खट्टा हो जाएगा तो अब इस तरह से इन्हें मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है तो चिली फ्लैक्स से इसका काम हो जाएगा ऑरिगे डाल लीजिए ऑरिगेनो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसका टेस्ट पिज्जा जैसा आता है तो फाइनली ये तैयार हो चुका है खा के देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा और झटपट तैयार हो जाए तो दोस्तों रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच